हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पेज नंबर 39 बताने जा रही हूँ हिंदी के सब्जेक्ट में। ये जो री की मात्रा वाला आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था उसी में कई अभ्यास है, इसे ध्यान से देखेंगे। चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। चित्रों को आप लोगों को देखना है और शब्द को कंप्लीट करना है। ध्यान रखेंगे इसमें री की मात्रा लगा करके आप लोग लिखेंगे और जैसे सही होता है वैसे आप लोग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए वृक्ष का चित्र है, यहाँ पे अक्षर लिखा गया है। आप लोग यहाँ पे व में री की मात्रा लगा कर लिखेंगे। व में री, वृक्ष, वृक्ष जो कि मैंने लिख दिया है। म में री लगाएंगे, मृग, मृग, मृग मीन्स हिरण। न में री लगाएंगे, नृप, नृप, नृप मीन्स राजा। और वृक्ष मीन्स पेड़ होता है, आप लोग को पता है। वैसे यहाँ पे देखिए घृत, घृत, मातृ, मातृ, कृषक, कृषक, ये आप लोग लिखेंगे। और नीचे पहले अक्षर पर री की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए। ये पहला अक्षर है, ये दूसरा अक्षर है। पहले अक्षर पे आप लोग को री की मात्रा लगाना है। जैसे यहाँ पे देखिए म में मैंने री की मात्रा लगाया, मृग, मृग। यहाँ लगाएंगे प में री की मात्रा, पृथक, पृथक। क्या हो जाएगा यहाँ पे? प में री की मात्रा, पृथक, पृथक। वैसे यहाँ पे सब में आप लोग क्या करना है, पहले अक्षर में री की मात्रा लगा करके शब्द को बनाना है। नीचे री की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। ये जो आप लोग को शब्द दिया गया है ये पूरा नहीं है, इसे आप लोग को री की मात्रा लगा करके पूरा करना है। चाहे फिर री की मात्रा पहले अक्षर में हो या फिर दूसरे अक्षर में, बस इसका जो अर्थ है वो सही निकलना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले यानी कि प्रथम अक्षर पे हम लोग री की मात्रा लगाएंगे। अगर अर्थ सही निकलता है तो ठीक है, वरना दूसरे पे लगा के देखेंगे। घ में री की मात्रा लगाएंगे, क्या हो जाएगा देखते हैं। चलिए घृ, त, घृत, घृत मीन्स होता है घी। सही हो गया, हमारा अर्थ निकल गया। यहाँ पे व में लगाएंगे वृषभ, वृषभ, ये भी पहले अक्षर पर लगेगा। वृषभ मीन्स बैल होता है। यहाँ पर क में लगाएंगे कृषक, कृषक, किसान। यहाँ पे भी लगा के आप लोग ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। इस पेज को आप लोग को कंप्लीट करना है, बना लेना है बुक में। और नोटबुक में आप लोग को यहाँ से यानी कि ये वाले क्वेश्चन से 1 और 2 नीचे का 2 क्वेश्चन आप लोग क्या करना है, नोटबुक पे लिख के रखना है। और ऊपर में ध्यान रखिए पेज नंबर भी लिखेंगे, ठीक है। पेज नंबर 39 और नोटबुक पे कॉर्नर में आज का डेट एंड पेज नंबर, ठीक है। थैंक यू।